मुजफ्फरपुर जिले के पारू प्रखंड स्थित फतेहाबाद पंचायत में किसान चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड तकनीकी प्रबंधक विकी कुमार के द्वारा किया गया। वही मौके पर पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि अवनी कुमार सहित अन्य लोग मौके पर मौजूद थे। बिहार सरकार की जो भी योजना है, किसान सलाहकार का दायित्व बनता है धरातल पर लाना, किसानों के बीच में प्रदान करना। अभी यहाँ रागी मरुआ की खेती के लिए क्लस्टर में हुआ है, उस पर फोकस किया गया है। प्लस डीजल अनुदान में क्या क्या त्रुटि हो रही है, किसान कैसे भर रहा है, क्यों कैंसिल हो रहा है, क्यों रसीद नया चाहिए, क्यों डीजल बिल पंपर चाहिए, ये सारी चीज़ की जानकारी दी गई। देखिए, चौपाल होने से कुछ ना कुछ तो फायदा, लोगों में जागरूकता बढ़ रहा है। एकाएक तो नहीं आएगा, लेकिन धीरे 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 मोटे अनाज की तो आप लोग भी कोशिश कर रहे हैं। अब धान और गेहूं की तरह तो उसमें यील्ड नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत उससे फायदा होगा। लोग बहुत लोग किए हैं इस बार भी, लगभग गांव में 100-150 लोग किए हैं मरुआ रुआ के। यहाँ चौपाल कार्यक्रम में आए, क्या जानकारी आपको, मैंने क्या लाभ मिला यहाँ? हमको तो मिला कि वैज्ञानिक तरीके से खेती करने में किसानों को फायदा होती है, और हमारे DM किसान सलाहकार जी हैं यहाँ मौजूद, कि समय समय पर आते हैं लोग, वैज्ञानिक तरीके से खेती करने की जानकारी देते हैं और खाद बीज भी उपलब्ध करवाते हैं। कृषि का जो भी योजना है उसको सुचारू रूप से फतेहाबाद पंचायत में लोग दिलवाते हैं सभी किसान। हमारे जिला मुजफ्फरपुर में 16 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक किसान चौपाल का आयोजन हो रहा है। हर दिन 2 पंचायतों में हो रहा है, हमारे पारस प्रखंड में भी होगा। आज यहाँ का अंतिम दिन है, 9 अगस्त को आज जो है अंतिम है। आज फतेहाबाद और पारू दक्षिणी में हो रहा है, आज तो यहाँ वो भी समाप्त हो गया। इससे लोग बहुत जागरूक हुए हैं और फोकस हुए हैं, और लोगों को